हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि कब आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कुछ समय पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जहां पर मैंने डिस्कस किया था कि आपको कॉल ऑप्शन कब बाय करना चाहिए, एंड इसके बारे में हमने बेसिक से एडवांस तक देखा था। इवन मैंने इस वीडियो में आपको पे ऑफ को किस तरह से रीड किया जाता है उसके बारे में भी समझाया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा कॉल ऑप्शन के बारे में। अब बात करते हैं कि हमने कोलपाल में कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी यूज की जहां पर हमें डबल प्रीमियम देखने को मिला। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं प्राइस और वॉल्यूम इन दो चीज़ों को बहुत फॉलो करता हूं। मतलब मेरा जो पूरा स्ट्रेटजी होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पर ही होता है। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% जो वीडियो है उस पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोलपाल का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो है डेली का, क्योंकि हम लोग इस स्ट्रेटजी में 3 बजे के बाद बाय करते हैं। अगर आप आज टेलीग्राम चैनल में होते तो आपको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। मैंने वहाँ पर एक अमर राजा बैटरी का ट्रेड पोस्ट किया था अराउंड 3 PM, ओके, एंड ये जो ट्रेड था 10 रुपीज़ से 14 रुपीज़ विद इन 5 to 10 मिनट चला गया था। तो अराउंड 40% का रिटर्न वहाँ पर हमें देखने को मिला था। आप उसे जाके देख सकते हैं, मैंने अपना पर्सनल ट्रेड वहां पर पोस्ट किया था। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड को देख लेते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो कोलपाल का जो ट्रेड था वो अराउंड मैंने 10.5 पे बाई किया था एंड आज मॉर्निंग में मैंने 20 रुपीज़ पर सेल किया था। तो ये ऑलमोस्ट जो प्रीमियम है ये डबल हो गया था। डोंट वरी, मैं अभी आपको चार्ट पर भी बताऊंगा कि ये जो प्रीमियम डबल हुआ था इसके पीछे कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी को यूज़ किया गया था जिससे हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। अब आप एक यहाँ पर सवाल कर सकते हैं कि सर, आपने एक तो OTM बाय किया है एंड काफ़ी कम वाला प्रीमियम बाय किया है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 8-10 लॉट बाय नहीं कर सकता। ये जो अकाउंट है, आई थिंक ये अकाउंट जो है 4.25 लाख के आसपास का ये अकाउंट है, तो इसमें मैं चाहता तो बाय कर सकता, लेकिन एक ट्रेडर जो होता है वो रिस्क को देखता है पहले एंड उसके बाद ट्रेड लेता है। लेकिन एक जो गैम्बलर होता है वो क्या करता है, पहले प्रॉफिट को देखता है एंड उसके बाद वो रिस्क को बाद में देखता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो गैम्बलर और ट्रेडर में डिफरेंस ही यही है कि ट्रेडर हमेशा रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करता है जबकि गैम्बलर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। ये क्या करता है, एंड ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग 10,000 का रिस्क लेते हैं एंड 2,000 के प्रॉफिट में ही खुश हो जाते हैं। जबकि जो मेरा कोलपाल का जो ट्रेड था, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि जो क्लोज ट्रेड था, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं इसका जो स्टॉप लॉस था वो था 5 का। दैट मीन्स कि मेरा स्टॉप लॉस जो था वो 5 पॉइंट का था एंड जो मेरा टारगेट था वो 10 पॉइंट का था। दैट इज 1:2, मतलब रिस्क तो 1 पॉइंट का था बट प्रॉफिट मुझे 2 पॉइंट का था। तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास 50% भी एक्यूरेसी है तो भी आप पैसा बना लेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि आपने टोटल 10 ट्रेड लिए, ठीक है, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 है। तो मान लीजिए आपने 5 ट्रेड लॉस किया तो आपका जो लॉस वाला हुआ वो -5 पॉइंट हो गया, बट जिसमें आपने जीता आपने उसमें 2 पॉइंट सब में बनाए तो ये हो गया +10। एट द एंड ऑफ द डे आप +5 पॉइंट में ही है। तो इवन 50% एक्यूरेसी में भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा एक्यूरेसी के पीछे ना भागें, रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं चार्ट की, तो आइए चार्ट को हम लोग देखते हैं। तो ये रहा कोलपाल का चार्ट और मैंने सिंपल एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। मैंने कोई भी फैंसी इंडिकेटर नहीं लगाया, ना कोई ऑसिलेटर लगाया, सिंपल मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। तो बेसिकली ये जो स्टॉक था ये मेरे वॉच लिस्ट में था वो था इसकी वजह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस दिन क्या हुआ, प्राइस जो था ट्रेंड लाइन को टच किया एंड वॉल्यूम जो था वो पिछले दिन से ज़्यादा था। तो मैं ऐसे सारे स्टॉक को ट्रैक करता हूँ जिसमें वॉल्यूम और प्राइस बढ़ रहा हो, और वो स्टॉक भी जिनके प्राइस जो हैं वो गिर रहे हैं विथ इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम। तो ऐसे स्टॉक को मैं हमेशा ट्रैक करता हूं और वहां पर एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। मैं वेट कर रहा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो हम लोग इसे बाय करेंगे, बट क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो प्राइस था ये ऊपर चला गया। अब आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है। जिन लोगों को पैटर्न्स आता है उनको पता होगा कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है।
तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, अगर ये सपोर्ट पर बने तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अब ये देखिए, जो सपोर्ट हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और दूसरा ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। तो जब भी मॉर्निंग स्टार बन रहा है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या ट्रेंड लाइन पर, तो आपको वहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है और ऐसे केसेस में आपकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी होगी वो 80%+ होगी। आप कभी भी कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा एक बड़ा मूव देखने को मिलता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बाद। तो यहाँ पर जो ट्रेड लेने का जो रीज़न था वो था मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, और यहाँ पर हमने 3 PM के अराउंड ट्रेड लिया था। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए, दूसरा है आपको चार्ट पैटर्न आना चाहिए, एंड तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बस अगर आपको इतना आ गया ना, तो आपको किसी भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इसी पर ट्रेड कर पाएंगे। तो आई होप कि जो मैंने कोलपाल का ट्रेड लिया होगा उसके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आया होगा। बेसिकली ट्रेंड लाइन पर एक मॉर्निंग स्टार बना था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था।